गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी पर जीवन से पहले भी काल रहा है और जीवन के बाद भी रहेगा। काल जिसे हम समय के नाम से जानते हैं, जो किसी के लिए नहीं रुकता, अनवरत चलता रहता है। इसी समय में सतयुग त्रेता युग का आरंभ और अंत हुआ और कलयुग वर्तमान है। हर युग में मानव जाति के कल्याण के लिए ईश्वर विभिन्न अवतारों में प्रकट हुए और हर युग में मानव जाति ने ईश्वर को वेद पुराण महापुराण ग्रंथ इत्यादि समर्पित किए हैं। वेद पुराणों और ग्रंथों के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने के लिए ऋषि मुनियों व संतों का जन्म हुआ। समय समय पर यही साधु संत इस भारत भूमि पर हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। इसीलिए भारत को संतों की भूमि भी कहा जाता है। आग लगी आकाश में झरझर परे अंगार, संत ना होते जगत में जल जाता संसार। संतों की संस्कृति वेदना संवेदना की संस्कृति है। यथार्थ की धरा पर उतारी हुई आध्यात्म भाव की संस्कृति है। घोर विपदाओं और भयावह अपमानों में जीते हुओं के बीच से उठकर दूसरों को भी उठाने खड़ा करने का महाकर्म है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि दुष्टों का विनाश करने और साधुओं व धर्म की रक्षा करने हेतु भगवान हर युग में अवतार लेंगे। साधु संत से तात्पर्य किसी श्वेत या भगवा वस्त्र धारण किए व्यक्ति से नहीं, अपितु साधु वह महान आत्मा है जो महान कल्याण के लिए समर्पित हो, जो जगत का मार्गदर्शन कर सके। साधु मानवीयता के गुणों से पूरित वह व्यक्ति विशेष है जो आत्मा के परमात्मा से मिलन की बात करता है, अर्थात जिसने वर्षों की तपस्या से सांसारिक मोह माया को त्याग कर स्वयं को साध लिया हो और आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो। भारत में ऐसे अनेक संत महापुरुषों ने अवतरण लिया है जिन्होंने केवल मानव कल्याण को सर्वोपरि मानकर समाज उद्धार किया है, जिनमें ऋषि महर्षि वेदव्यास वाल्मीकि गौतम बुद्ध जैनेन्द्र जी गुरु नानक देव जी रैदास नामदेव मीराबाई कबीर जी इत्यादि से हम भली भांति परिचित हैं। इन सभी ने समाज को आत्मवान बनाने की नैतिक श्रेष्ठता की सीख दी। नैतिक बल से सुदृढ़ होकर मनुष्यता की गरिमा को शिरोधार्य करके समाज का उत्थान किया। आज भी समूचे विश्व के मानव समाज की सभी समस्याओं का उपचार इन संतों के उपदेशों में निहित है। जिस भावनामय क्रांति का सूत्रपात संतों ने किया है, वही मनुष्य की सुरक्षा समता एवं भावी विकास की दिशा सुनिश्चित करने वाला मूल तत्व बना। पुरे सो परिचय भया सब दुख मेलिया दूरी निर्मल कीनी आत्मा तात है सदा हजूरी। ऐसे ही महान संत हुए पूज्य श्री
माधवानंद जी महाराज। राजस्थान में बसे शहर खेतड़ी से मात्र 30 किलोमीटर दूर निजामपुर नारनौल मार्ग पर बसा गांव टीबा बसई में इनका जन्म हुआ। इस गांव को सन 1606 में राजपूत शेखावत सांगा और सलेदी सिंह ने बसाया था। पूज्य श्री माधवानंद जी महाराज ने इस गांव में सन 1846 में शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि को 12 बजे अपनी दिव्य आंखें खोली। इनके पिता श्री रामचरण जी के घर बधाई के गीत गाए गए। सैकड़ों लोग बधाइयां देने दूर दूर से आने लगे। साधु संतों का घर पर तांता सा लग गया। गुरुदेव के पिता रामचरण जी गौड ब्राह्मण, संस्कृत के विशेषज्ञ व आयुर्वेद के मर्मज्ञ विद्वान थे और स्वामी जी की माताजी जिनका नाम पार्वती देवी था, इन्होंने कुशल गृहिणी और मातृत्व का दायित्व निभाया। स्वामी जी की दादी माँ भी संस्कृत भाषा की प्रकांड पंडिता थी, जिन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम की संस्कृत में टीका बनाई। इनका कुल तात्कालीन ब्राह्मणों में विद्यावसिनी होने से उच्च आदर्श और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। स्वामी जी अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। बचपन से ही इनकी खिलौनों में कोई रुचि नहीं थी। ये भगवान की मूर्ति के साथ खेलते पाए जाते या उनके आगे ध्यान मग्न रहते। खेतड़ी के ठाकुर मग्नी सिंह जी, जो साधु संतों और ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते थे और धार्मिक स्थानों की तीर्थ यात्रा के प्रेमी थे, एक बार वे हरिद्वार दर्शन को गए हुए थे। वहां उन्होंने ब्राह्मणों से एक रहस्य की बात सुनी कि एक विप्र के 7वीं पीढ़ी में प्रभु का अवतार होगा। ठाकुर जी ने उस परिवार का पता लगाया और महर्षि वशिष्ठ के वंशज सालिग्राम जी गौड को अपने साथ लाकर अपने गांव में घर जमीन देकर बसा लिया। सालिग्राम जी के पुत्र ताराचंद जी हुए, जो बहुत बड़े योगी थे, जो संस्कृत के प्रकांड पंडित और बहुत बड़े शिव भक्त थे, वरदान और शाप देने की क्षमता रखते थे। एक बार वह काशी गए, वहां के पंडितों से शास्त्रार्थ कर सबको परास्त कर विजयी हुए। ताराचंद जी के पुत्र भूधरमल जी, जो संस्कृत के ज्ञाता होने के साथ साथ शिव भक्त भी थे, शिव जी का ध्यान करते करते ही उनकी अखंड समाधि लग गई थी। भूधरमल जी के पुत्र हुए नाथुराम जी, जो माधवानंद जी के दादाजी थे, वह शिव और शक्ति के साथ साथ गायत्री के बड़े उपासक थे। नाथुराम जी उस समय के प्रसिद्ध वैद्य थे। दूर दूर से लोग इनसे इलाज करवाने आते थे। इनकी दवा व दुआ का इतना चमत्कार था कि रोगी कभी भी पुनः बीमार नहीं होता था। गुरुदेव के पिता हुए रामचरण जी, वह भी अपने समय में महान वैद्य रहे। ये बंगाल प्रांत के जलपाईगुड़ी में रहते थे, जहां टीबा बसई व झुंझुनू जिले के अन्य व्यापारी भी रहते थे। ये लाचार व गरीबों का धनी रोगियों से पहले तथा मुफ्त में इलाज किया करते थे। इनकी 6 पुत्रियां थी, जो बवाई ग्राम के कुलीन ब्राह्मण घराने में ब्याही गई थी। पिता की तरह ही गुरुदेव की माता मही लोचित गुणों व अखंडशील तथा मातृत्व के महान आदर्शों से युक्त सती साध्वी एवं पति परायण गृह लक्ष्मी थी, जिन्होंने देव रूप अद्भुत पुत्र के लालन पालन में कोई कमी कोर कसर नहीं छोड़ी। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार को कहा जाता है। इसी बाल्यकाल में माता पिता की देखरेख में बालक के भावी जीवन का निर्माण शुरू होता है। बाल्यकाल में जो संस्कार माता पिता द्वारा बच्चों में डाले जाते हैं, वे जीवन भर नहीं मिटते हैं। स्वामी माधवानंद जी महाराज किसी विशेष ईश्वरीय कार्य के लिए
उनके द्वारा प्रशिक्षित महाविभूति हैं, फिर भी उनके चरित्र निर्माण में बहुत कुछ उनकी पूजनीय माता तथा दादी माँ का उल्लेखनीय योगदान रहा। उस भक्त नारी ने बालक के हृदय पटल पर उच्च और दिव्य संस्कार लिखे, जिससे उनकी अमिट छाप सदा बनी रहे। स्वामी जी अपने माता पिता के इकलौते पुत्र रत्न थे। जहां अन्य बालक छोटी छोटी बातों में रोने लगते, वहीं इस अद्भुत बालक को कभी रोते नहीं देखा गया। ये सदैव ही प्रसन्नचित योग मुद्रा में देखे जाते रहे। जब स्वामी जी 5 वर्ष के हो गए थे तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया गया। यज्ञोपवीत के बाद शीघ्रातिशीघ्र विद्या प्रारंभ करना था। उस वक्त गांव खेड़ों में विद्यालय नहीं हुआ करते थे, तो प्रारंभ में अपने परिवार के पूज्य जनों से, बाद में गांव के विद्वानों से संस्कृत पढ़ना आरंभ किया। उस वक्त शेखावाटी में अंग्रेजी भाषा का प्रचलन था, परंतु गांवों में व्यवस्था नहीं थी। गांवों के विद्वानों से स्वामी जी पढ़ा करते थे। उन्हें एक बार जो बात बता दी जाती थी, वो तुरंत याद हो जाती थी। बचपन में गुरुदेव जब क्रीड़ा करते थे तो कुएं में गेंद या पैसे बच्चे फेंक देते थे, तो गुरुदेव बालकपन में हाथ कुएं के आगे करते तो तुरंत उनके हाथ पर आ जाते। बचपन से ही यह चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया था। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए, समय का पहिया अनवरत चलता रहा। स्वामी जी अब करीब 10 वर्ष के हो चुके थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी हो चुकी थी। उनके पिता श्री रामचरण जी के वे इकलौते पुत्र थे, जो उन्हें गृहस्थ सीमा में बांधना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने उनकी एक कन्या से सगाई भी कर दी। पर कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। जीवन में होने वाली भावी घटना को कौन टाल सकता है? भक्त वत्सल भगवान के सिवा कौन जान सकता है? उनके माता पिता ने उनका विवाह करना चाहा, पर वे अपने मनोरथ में सफल ना हो सके। जिस मनुष्य को स्वयं भगवान ने मानव कल्याण के लिए भेजा है, वो भला किसी बंधन में कैसे बंध सकता है? स्वामी जी ने अपने स्वाभाविक वैराग्य प्रेरणा से इसी अवस्था में काशी यात्रा और विद्याभ्यास का निश्चय किया। परंतु स्वामी जी की इस धर्म यात्रा की राह भी आसान न थी। अभी उन्हें कई अग्नि परीक्षाएं देनी बाकी थी। एक दिन स्वामी जी के पिता रामचरण जी परलोक सिधार गए। परिवार पर अनेक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चूंकि स्वामी जी अपने पिता के इकलौते पुत्र थे, इसलिए सारे घर की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर आन पड़ी। माता बहनों की जिद थी कि स्वामी जी विवाह कर गृहस्थ आश्रम धारण कर ले, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक स्वामी जी अपनी माँ बहनों को बिना बताए घर से काशी के लिए निकल पड़े। आज की तरह उस वक्त इतने आने जाने के संसाधन नहीं थे, केवल रेल थी, वो भी कहीं कहीं पर। स्वामी जी कई कोसों दूर पैदल चलते रहे, फिर रेल पकड़कर काशी पहुंच गए। संस्कृत साहित्य के सूर्य महामहोपाध्याय पंडित शिव कुमार शास्त्री जी से विद्यार्जन करने लगे। अपनी कुशाग्र बुद्धि, नैतिक धारणा शक्ति के बल पर शीघ्र ही गुरु के प्रिय बन गए। स्वामी जी अपने जीवन के 7 वर्षों तक बनारस में विद्या प्राप्त करते रहे, और ठीक इतना ही समय उज्जैन, नासिक और कानपुर में बिताया। अल्प समय में ही स्वामी जी ने वेद, उपनिषद, शास्त्रों, पुराणों व भारतीय दर्शन व्यवस्था का अध्ययन कर लिया। एक बार स्वामी जी शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे, उस समय उनके साथ एक विचित्र घटना घटी। एक और सारे धर्म ग्रंथ कह रहे थे कि ईश्वर है,
वहीं बौद्ध धर्म इसे नकार रहा था। स्वामी जी की शंका बढ़ती गई। शंका के समाधान हेतु गुरु के पास गए, मगर गुरु द्वारा दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हो पाए। यह बात उनके अंतर मन की गहराई में उतर गई। स्वामी जी ने दृढ़ संकल्प ले लिया कि बिना ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन कर उत्पन्न शंका का समाधान किए चैन ना लेंगे। ये देख उनके गुरुजन व सहपाठी गणों ने समझाया कि ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, फिर भी स्वामी जी नहीं माने और शंका का समाधान ढूंढने ईश्वर की खोज में भारत भ्रमण पर निकल पड़े। जय श्री माधव। कई वर्षों से मेरे मन में इच्छा थी कि गुरुदेव की एक फिल्म बने, क्योंकि गुरुदेव हमारे इतने महान, उनकी महिमा को सारी दुनिया जाने, और किस रूप में जाने, एक यही माध्यम बचाया जो कि उनकी महिमा को फैलाने का और जन जन तक पहुंचाने का। तो एक छोटा सा प्रयास हमने शुरू किया है और गुरुदेव की फिल्म इस डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से बना रहे हैं। आप सबको गुरुदेव के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी, गुरुदेव का कहाँ जन्म हुआ, गुरुदेव ने क्या क्या चमत्कार किए, गुरुदेव कहाँ गए, कैसे कैसे भ्रमण किया उन्होंने, और कैसे कैसे उन्होंने भक्तों के दिलों पे, भक्तों के घरों में किस तरीके से रहे, और उनकी महिमा का गुणगान करने का मुझे भी सौभाग्य मिला है। हमारे गुरुदेव स्वामी माधवानंद जी महाराज जो 56 रियासतों के राज हुए, उन्होंने अपने जीवन काल में असंख्य भक्तों को, राजाओं को, महाराजाओं को विश्वास दिलाने के लिए चमत्कार दिखाए, और आज भी जन जन में भक्तों के अंदर में जिन्होंने गुरुदेव को देखा भी नहीं है उनको भी चमत्कार दिखा रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव बड़े दयालु हैं और चमत्कार को इसलिए नहीं दिखाते कि वो महान है या अवतारी है, वो चमत्कार इसलिए दिखाते हैं क्योंकि भक्तों में विश्वास हो जाए, धर्म के प्रति उनकी आस्था बढ़ जाए। ये तो चमत्कार तो क्या जादूगर भी दिखा सकता है? एक जादूगर भी चमत्कार दिखा के सबके दिलों को जीत लेता है? अरे वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो बड़े महान है, वो चाहे जो कर सकते हैं। क्योंकि गुरु महाराज मुझे याद है कहते थे, मैं तो चींटी को ब्रह्मा और ब्रह्मा को चींटी बना सकता हूँ, ये तो संसारी जीव है। तो हमारे गुरुदेव टीबा बसई का इनका जन्म, और इन्होंने काशी में जाकर के पढ़ाई की, उसके बाद जब उनको शंका हो गई तो वहां से वो निकल पड़े। फिर भी उनके परिवार वालों ने उनको बांध के रखने की काफी कोशिश की, लेकिन जिनको एक बार इस परमात्मा की लोह लग जाती है फिर वो किसी के बस में नहीं आते, अपने घर से निकल पड़े सत्य की खोज के लिए। जब उन्होंने सत्य की खोज करना आरंभ किया, पूरे भारत में भ्रमण किया, तो उनको शंकाएं भी खूब हो गई। उस शंका को दूर करने के लिए उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, ग्रंथ पढ़े, और ग्रंथ पढ़ने के बाद जब उनको शंका हो गई और उनकी शंकाओं का समाधान नहीं हो पाया, तो सुंदरनाथ जी महाराज के पास गए, और सुंदरनाथ जी महाराज ने उनको उनकी शंकाओं को दूर करके उनको आत्म साक्षात्कार कराया। जब आत्म साक्षात्कार हो चुका तो उन्होंने 21 दिन की समाधि लगाई। 21 दिन की समाधि लगाने के बाद उनका शरीर 20 पाउंड का बन हो चुका, इतना हल्का हो गया कि वो जमीन से ऊपर उठने लगे।
तो ऐसे महान गुरुदेव को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे दादाजी का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ था, क्योंकि जब गुरु महाराज हमारे दादाजी को मिले थे या जब राजा महाराजाओं के पास भी जाते थे तब औरतों का मुख नहीं देखते थे। 85 वर्ष तक हमारे गुरुदेव ने औरतों का मुख नहीं देखा और किसी पैसे को हाथ नहीं लगाया। अगर किसी को दीक्षा देनी होती थी तो आगे पर्दा लगा के दीक्षा देते थे। फिर भी लोगों को वो होता था कि ये ऐसे कैसे संत है जो औरतों का मुँह नहीं देखते। फिर भी उन्होंने अपने व्रत चालू रखा। नाथपंथ के होते हुए भी उन्होंने नाथों के सुंदर नाथों के नाम सुंदरनाथ जी महाराज को अपना गुरु बनाया और सुंदरनाथ जी महाराज भी उच्च कोटि के बड़े संत। तो क्या कहो, वो तो शिव साक्षात शिव स्वरूप ही। तो ऐसे शिव स्वरूप को भी कोटि कोटि प्रणाम है, ऐसे गुरुदेव को भी कोटि कोटि प्रणाम है जो हमको मिले। जय श्री गुरु।